शाहजहांपुर के जलालाबाद में मास्टर कॉपीराइट कंपनी के लोगों पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेज दिया। मीडिया से जानकारी मिलने के बाद कलान बुधवाना मदनापुर काट कटरा के दर्जनों पीड़ित कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए अपने रुपए वापस करने की मांग की। पुलिस ने आनंद फानन में मास्टर कॉपीराइट कंपनी के लोगों का मेडिकल करवाकर जेल भेज दिया। ज्ञात हो बीते दिवस खुद को इस कंपनी के अधिकारी बताने वाले 6 लोग इनोवा गाड़ी से आए और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले लोगों की दुकानों पर जाकर पुलिस के साथ गए और लगभग एक दर्जन लोगों के लैपटॉप कंप्यूटर उठाकर उनको कोतवाली ले आए और कॉपीराइट के उल्लंघन का भय दिखाकर लाइसेंस बनवाने के नाम पर 12,000 की रसीदें काट दी। इसी बीच भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रियांशु शुक्ला तथा मोनू गुप्ता ने इस घटना की जानकारी ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष भाजपा नेता मनोज कश्यप को दी। जानकारी मिलने के बाद मनोज कश्यप कोतवाली और पुलिस क्षेत्राधिकारी बलदेव सिंह खनेड़ा को इसकी जानकारी दी। मास्टर कॉपीराइट कंपनी के अधिकारी अपना कोई सरकारी अनुबंध पत्र नहीं दिखा सके, इसके बाद सीओ के निर्देश पर दुकानदारों के 12,000 रुपए वापस करवाए गए और कंपनी की दोनों गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर 6 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। पकड़े गए लोगों में लखनऊ की जानकीपुरम कॉलोनी निवासी गौरव सेंगर, हाथरस की दुर्गेश कॉलोनी निवासी सुशील गुप्ता व इसी जनपद के गांव सरिया निवासी चंद्रवीर समेत उनके 3 अज्ञात साथी शामिल हैं। सभी 6 आरोपियों के खिलाफ 420, 406 तथा 419 धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। और फोटो बना रहे थे ग्राहक के और ये लोग आए एकदम दुकान में घुसे और इन्हें अपने हाथों से कंप्यूटर सर नोचा नाचा और हमें बैठा रहा गाड़ी में और लिए आए यहाँ थाने में और हमें यहाँ डरपाया धमकाया कि अगर आपका एक भी कंप्यूटर में पाल पेपर या एक भी गाना वीडियो ऑडियो कुछ भी मिल सकता मिलेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी 9 साल की जेल होगी, पता नहीं क्या क्या पता दिया है। हमें पसीने छूटने लगे और हमसे 12,000 रुपये भी लिए। इनका ये मैटर है, इन्होंने बताया कि साहब हम कोई कंपनी है इनकी जो पायरेसी के विरुद्ध जो है इनका उनके पास कोई कॉपीराइट है और इस वजह से ये कार्रवाई कर काम कर रहे हैं। 2-3 जिलों में इन्होंने किया है, लखनऊ के लिए वगैरह में। आज हम लोगों के संज्ञान में ये बात आया तो इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। हम लोगों को लगा कि ये जो इनका कार्रवाई है वो संदिग्ध है तो इस संबंध में हम लोग जाँच कर ले रहे हैं। जाँच में जो भी बात सही आएगी उसके अनुसार। पता है सर 12,000 रुपये जो लिए गए तो वो वापस किए गए क्या? हम लोग देखेंगे कि इनके पास क्या अधिकार है, किस अथॉरिटी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, क्या अथॉरिटी इनको दी गई है, तो पहले हम उसकी जांच कर लें तभी उसके बारे में हम कुछ सही मतलब सही सही बता पाएंगे।